ये आइडिया ऑफ इंडिया आज भारत की बुलंद आवाज है और इसलिए आज आइडिया ऑफ इंडिया यानी इंटरनेशनल योग दिवस, आइडिया ऑफ इंडिया यानी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का विजन, आइडिया ऑफ इंडिया यानी विश्व के लिए वन सन वन अर्थ वन ग्रिड का विचार, आइडिया ऑफ इंडिया यानी चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट, आइडिया ऑफ इंडिया मतलब मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ इंडिया जस्टिस टू ऑल अपीजमेंट टू नन। जिन श्री राम से हमें ये प्रेरणा मिलती है उन्हीं प्रभु राम की पूजा को कांग्रेस आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ बता रही है। साथियों, तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस और उसकी जैसी सोच वाली पार्टियां कुछ भी कर सकती है। यहां हैदराबाद में भी एमआईएम को इसलिए ही खुली छूट दी गई है। वोट बैंक ना नाराज हो जाए इसी डर से ना तो कांग्रेस और ना ही बीआरएस हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाना चाहती है। लेकिन अब बीजेपी ने हैदराबाद को इस खौफ से मुक्ति दिलाने की ठानी है। केंद्र सरकार ने तय कर दिया है कि हर साल 17 सितंबर को 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाएगा। भाइयों और बहनों, हिंदुओं को बांटो और अपने वोट बैंक को खुश करो, ये कांग्रेस की रणनीति है। इसलिए कांग्रेस एससी एसटी बीसी से रिजर्वेशन छीनकर रिलीजन के आधार पर बांटना चाहती है। आपने सुना होगा कि शाहजादे के करीबी और चारा घोटाले के दोषी नेता ने क्या कहा, जेल से बाहर आए हैं और क्या बोल रहे हैं, वो कहते हैं मुसलमानों को रिजर्वेशन देना ही चाहिए और फिर इतना ही नहीं वो कहते हैं पूरा का पूरा रिजर्वेशन मुसलमान को देना चाहिए। ये लोग बीसी कोटा के रिजर्वेशन को खत्म करके रिलीजन के नाम पर रिजर्वेशन देना चाहते हैं। इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो जीएचएमसी चुनाव में पड़ा था वो हम सब ने देखा है। जिन सीटों पर बीसी समाज का हक था वो उनसे छीन ली गई। कांग्रेस यही मॉडल पूरे देश में लागू करना चाहती है। साथियों, तेलंगाना में जब से कांग्रेस सरकार बनी है तब से डबल आर टैक्स की भी बहुत चर्चा है। एक आर तेलंगाना का और एक आर दिल्ली का, इन्होंने मिलकर हैदराबाद को तेलंगाना को एटीएम बना दिया है। मैंने किसी का नाम नहीं लिया लेकिन डबल आर टैक्स पर यहां के मुख्यमंत्री खुद सफाई दे रहे हैं। साथियों,
यहां हैदराबाद में तो ट्रिपल आर टैक्स का बोझ आपको उठाना पड़ता है, यहां एक आर रजाकार का भी है। ये रजाकार टैक्स कैसे काम करता है ये ओल्ड हैदराबाद में दिखता है। कांग्रेस बीआरएस के समर्थन वाली मजलिस के सांसद वहां लंबे अरसे से है, लेकिन वहां बेसिक सुविधाएं तक नहीं है। साथियों, हैदराबाद में हर साल बारिश में चारों तरफ पानी भर जाता है, लेकिन बीआरएस हो या कांग्रेस, किसी ने भी आपकी परेशानियों को नहीं समझा। हर साल पब्लिक परेशान रहती है, इससे हेल्थ और एजुकेशन हर सर्विस उस पर बहुत बुरा असर पड़ता है। यहां पावर कट से लोग परेशान है। साथियों, बीजेपी तेलंगाना के तेज विकास के लिए प्रतिबद्ध है। तेलंगाना को पहला एम्स किसने दिया? तेलंगाना को चार वंदे भारत ट्रेन किसने दी? तेलंगाना को सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी किसने दी? तेलंगाना में बंद पड़ी फर्टिलाइजर फैक्ट्री किसने चालू की? टर्मरिक बोर्ड किसने बनाया? एनटीपीसी का बड़ा बिजली कारखाना किसने बनाया? ये सारे काम बीजेपी की सरकार ने किए हैं। हमारी सरकार तेलंगाना को ग्लोबल कैपेबिलिटी के बड़े सेंटर के रूप में भी विकसित कर रही है। यहां एविएशन हब बन रहा है। एयरक्राफ्ट इंजन की दुनिया की सबसे बड़ी एमआरओ फैसिलिटी होगी। आत्मनिर्भर अभियान का लाभ भी तेलंगाना को मिलने जा रहा है। डिफेंस से लेकर बायोटेक्नोलॉजी, ग्रीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में तेलंगाना के लिए आने वाले 5 साल तेज विकास के होंगे। हसन चेरापल्ली एलपीजी पाइपलाइन से भी इस क्षेत्र को काफी फायदा हुआ है। यहां युवाओं के लिए जॉब के, रोजगार के अनगिनत अवसर बन रहे हैं। साथियों, बीजेपी सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इस मंत्र पर चलती है। ये बीजेपी सरकार है जिसने ट्रिपल तलाक के बहाने मुस्लिम बेटी